नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद सावन के मद्देनजर थाना बेलूपुर अंतर्गत दुर्गाकुंड क्षेत्र में इस बार दो नहीं बल्कि तीन जगह हवाई झूला चरखियों का मेला सज गया, जहां शहर से लेकर आसपास के गरीब और मध्यम वर्ग की जनता के लिए सस्ते मनोरंजन का मुकम्मल इंतजाम हो गया। चकाचौंध लाइटों के बीच दुर्गाकुंड मंदिर के संचालक प्रशांत कुमार राय और साकेत मंडपम के संचालक मक्खन यादव व रविंद्रपुरी के नीचे आदि क्षेत्रों में झूले चरखी चले, लेकिन अचानक बंद हो गए क्योंकि बनारस के कलेक्टर का किसी के भी पास परमिशन नहीं था। वर्षों से लग रहे झूला संचालकों को इस बात का भरोसा और विश्वास था कि जब सभी सरकारी विभाग ने NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है तो अब इन्हें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जब इन्हें DM साहब के यहाँ से हरी झंडी नहीं मिली तो सभी मायूस हो गए। इस पूरे मामले के पड़ताल के लिए क्लाउड टाइम्स की टीम ने सभी झूला संचालकों के यहाँ पड़ताल किया तो सैकड़ों की संख्या में झूला संचालकों के गरीब कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए। कुल मिलाकर झूला संचालकों और उनके कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि बनारस के कलेक्टर उन्हें जल्द से जल्द अनुमति दें ताकि वे सावन में दुर्गाकुंड क्षेत्र में आने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के मनोरंजन का मुकम्मल इंतजाम कर सकें। हमारे साथ हैं झूला व्यवसायी प्रशांत कुमार राय। आइए इनसे जानते हैं कि आपने जो ये झूला दुर्गाकुंड पे लगाया है ये कब से लगा है और इसको चालू करने में किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। नमस्ते, ये झूला करीब परसों से तैयार हो गया है और सावन में 13 माह से सावन चढ़ रहा है और सावन के महीने में ये प्रसिद्ध मेला है माँ कुष्मांडा के दरबार में जो करीब 100 सालों से लगभग चलता आ रहा है, लेकिन इसका आवेदन हम लोग मैंने जो है मनोरंजन कर विभाग में करीब 10 या 20 अप्रैल के आसपास कर दिया था और जितनी NOCs मांगी गई थी सारी NOCs मैंने मई के आखिरी तक जमा कर दिया था। करीब 1 महीने से ज़्यादा मैंने हो गया सारी NOCs जमा किए हुए और फिर भी जो है मुझे अभी तक परमिशन DM साहब के यहाँ से नहीं मिल पाई है। यही है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि अब मुझे अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी जाए तो मैं इस मेले का संचालन कर सकूं, क्योंकि इससे हमारे यहाँ बहुत रोजी रोजगार है, बहुत लोगों का रोजी रोजगार है। अगर ये मेला बंद हो जाएगा तो तमाम 100 से ज़्यादा परिवार जो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे और 2 साल बाद कैसे कैसे करके पैसा इकट्ठा करके हम लोग जो है ये फिर से चालू किए हैं। पूरे 2 साल कोरोना में हम लोग कैसे कैसे झेले हैं, सारे लोगों को झेले हैं, पूरे स्टाफ पूरे सारे लोग जो है भुखमरी के कगार पर थे, सारी चीज़ इकट्ठा करके जोड़ जाड़ के फिर से हम लोग चालू किए हैं और ऐसी स्थिति में अगर जिला प्रशासन हम लोगों को अनुमति नहीं देता है तो फिर उसी स्थिति में हम लोग जो है भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। प्रशांत जी, आप जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? जिला प्रशासन से मैं बस यही अपेक्षा करता हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है कि इसकी अनुमति हम लोग को दे दी जाए कि इसको हम लोग सुचारू रूप से संचालन कर सकें। सारी NOCs मैंने ले करके और DM साहब के यहाँ फाइल प्रस्तुत कर दिया है। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।